हमारे कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी भी उपस्थित थे, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो, और जो बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं, सारे लोग उसमें सम्मिलित थे बैठक में। हम लोगों ने एक राय से यह निर्णय लिया कि जो गन्ना के किसान हैं या फिर जो विभिन्न तरह के खेती करते हैं, जो धान उपजाने वाले हैं या गेहूं उपजाने वाले, उनके साथ जो नाइंसाफी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कर रही उसके खिलाफ जनवरी के लास्ट और फरवरी के पहले सप्ताह में हम लोग एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे जो बहुत बड़ा होगा। हम लोग छोटे स्तर पर यह कार्यक्रम करते आए हैं जिला वाइज, अब उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जैसे बगहा में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है गन्ना किसानों के साथ, तो पहले हम लोग बगहा और बेतिया से स्टार्ट करेंगे उसको, और उसको फिर पूरे राज्य में हम लोग ले जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी किसानों के हित में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, अभी आम लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि प्याज है आलू सब का दाम बढ़ा, किसी पे कंट्रोल नहीं है, तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों को तो मूल्य मिल नहीं पाता है, जो उचित रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, लेकिन कालाबाजारी करके और केंद्र सरकार की मिली भगत से सारे चीज़ों का, चाहे वो प्याज हो आलू हो और जो सब्जी हो, सारी जो चीज़ है उसका कीमत आसमान छू रहा है। ये सरकार की विफलता है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आज GDP गिर रहा है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है और देश में विभिन्न तरह से धर्म के नाम पर इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जिससे देश आज बंटवारे के कगार पर है और देश में आंतरिक गृह युद्ध होने का आशंका प्रबल हो चुका है। नहीं, जितना भी दाम खाद्य पदार्थों का बढ़ता है उससे किसानों को कोई फायदा नहीं, बीच में बिचौलिया या सरकार इस पर भी कोई काम नहीं करती, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसान का जो अनाज है या जो भी उत्पाद है, चाहे वो सब्जियां हो, उसका सही कीमत तो मिल नहीं पाता है। सरकार इसके लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है और न ही इनके कंट्रोल में वो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं या जो बिचौलिए हैं जो कि स्टॉक करते हैं उसको और फिर उसका कालाबाजारी किया जाता है और उच्च रेट में मार्केट में उसको बेचा जाता है, जिससे दोनों तरह से परेशानी होती है। एक तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है और उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देकर के वही चीज खरीदना पड़ता है। अच्छा, इससे हट के बात करें कि अभी कांग्रेस में झारखंड में चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस का काफी अच्छा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे, बिहार में क्या होगा उसको? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से झारखंड में सहयोग किया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आज जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश में, तो झारखंड में उसका जवाब है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति को हम लोग नहीं सफल होने देंगे। जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभाजन करना चाहते, मतों को ध्रुवीकरण करना चाहते थे, वो उनकी विफलता है और वो विफल हुए इस अपने कार्यक्रम में और मिशन में। और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो ताकत एक जगह आकर के वोट किया है। जो विकास में विश्वास रखता है, जो आपसी भाईचारा में विश्वास रखता है, जो देश की संविधान में विश्वास रखता है, वैसे लोगों ने एक जगह आकर के वोट किया है और आज झारखंड में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और हम तो ये मानते हैं कि बिहार में इससे और भी बेहतर परिणाम देखने को आपको मिलेगा। ATN Live